है ना। तो कितना पैसे कीजिए? हमारे तो 2.5 लाख रुपया है। 2.5 लाख? हाँ, मेरे ही नाम से है। आफी के नाम से? आपका कितना चाची पैसा है? पर्ची एक आदमी हम लोग के 70,000 रुपया। 70,000 अपने के? अब उतना ध्यान नहीं है, पर्ची तो है रखा हुआ है। इतना मतलब ये ऑर्डर हुआ है लेकिन दबाए हुए हैं। यहाँ तो जानते हैं कि कमीशन खाने में कितना चक्कर में है ऑफिसर, है ना। तो प्रोटेस्ट करेंगे, उससे क्या होगा जो उसको लागू करेगा, मतलब जिसका पहले भेजे हुए उनका पैसा दिलाए, और जिन लोगों का अभी तक कहीं लिख करके आप नहीं दिए हैं तो कैसे पैसा मिलेगा बताइए। कागज अभी बताइए, सरकार बताया था, सुनो पहले सुन लो, बोलिए। सरकार नोटबंदी कर दिया था तो नोट बदलने गए थे बैंक में कि नहीं गए थे? अगर जो नहीं गया ओकर पैसा क्या हो गया? मट्टी हो गया जो नहीं बदला से। तो नियम बनाए हुए सरकार के कंप्लेन करने के लिए, तो कंप्लेन नहीं कीजिएगा, घर में कागज रखिएगा तो क्या हो जाएगा? बहुत जगह क्या किया है एजेंट, लोगों से ओरिजिनल कागज मांग रहा है। गलती से भी नहीं दीजिए, पैसा दे तभी कागज दीजिए किसी को, न तो आपके पास क्या प्रमाण रहेगा जो आपका पैसा जमा है बताइए। इस बैंक में पैसा जमा कराने जाते हैं, रसीद नहीं देगा तो आपका पैसा अकाउंट में जमा होगा? नहीं। तो कागज अपना संभाल के रखिए और कागज लेकर के नहीं आना है। कितना पैसा है वो कागज में लिख लीजिएगा और एक मोबाइल नंबर, ताकि आपका नाम लिखे हो लिखवाएंगे वहाँ। हाँ, एजेंट नहीं ना देगा, वो तो फंसा दिया है आपको। अब हम हमारी पैसा ले लिए तो हम इनसे मांगेंगे, नहीं दे रहे हैं तो सरकार को कहेंगे हमारा दिलाया जाए, है कि ना। तो उसी के लिए है, उस दिन पिटीशन जो भेजेंगे हजारों आदमी आएंगे, सबका साइन होगा, कितना पैसा है, उनका मोबाइल नंबर कितना है वो लिखेंगे, है कि ना। तो कल को अगर पैसा मिलने का प्रोसेस सरकार शुरू करता, जैसे ऑर्डर दे दिया है, तो जिला अधिकारी को पावर है कितना पैसा है आपका, पेपर जांच करेगा, जांच करके अगला का प्रॉपर्टी सीज करके आपको दिलाएगा, जो कानून है BPIDF उसके हिसाब से। तो कहीं ना कहीं लोग अपना पैसा मांगिएगा तभी सरकार भी दिलाएगा, नहीं तो बच्चा को दूध माँ तब तक नहीं पिलाती है जब तक बच्चा नहीं रोता है। बात को सही बोले गलत बोले हैं, है कि ना। तो हम लोग अकेले मांगने जाएंगे तो हो सकता है नहीं सुनेगा कोई, और जो कानूनी प्रक्रिया है हम लोग का अधिकार है उसके हिसाब से हम मांगेंगे। और इसी के लिए सभी लोगों को बुलाने कहने के लिए आए हैं, और ये पर्चा घर में जो पढ़ा लिखा होगा बच्चा उसे पढ़वाइएगा क्या लिखा हुआ है, पूरा कहानी कैसे आपके साथ धोखा हुआ है, अभी सरकार आदेश किया वो सब लिखा हुआ है ना। तो कितना पैसे कीजिए? हमारे 2.5 लाख रुपया है। 2.5 लाख? हाँ, मेरे ही नाम से है। आफी के नाम से? आपका कितना चाची पैसा है? पर्ची एक आदमी हम लोग के 70,000 रुपया। 70,000 अपने के? अब उतना ध्यान नहीं है, पर्ची तो है रखा हुआ है। 1 लाख से ऊपर हो जाएगा, 3 आदमी के, 2 लड़का के मेरा है, 45,000 फीस है। 2.5 लाख तो कंटिन्यू हमारा है। देखिए यहाँ पर कौन सा एरिया है, यहाँ पर जो महिलाएं हैं, यहाँ पर जो 2.5 लाख 70,000 ऐसे कुछ महिलाएं, उनको पता भी नहीं है कि कितना पैसा है सहारा इंडिया में फंसा हुआ। तो हम देखिए जगह जगह जाकर आपको ये खबर दिखा रहे। अपना हो क्या? हाँ, अपने के नाम पर? हाँ, ना, हमारे बेटा के नाम पर है 10,000, देखिए जगह जगह यहाँ पर महिलाओं से पैसा कैसे ठगी की गई है और अभी देने से इनकार कर रहे हैं। अभी तो फोन ही नहीं उठा रहा है। अब तो पैसा नहीं जमा कर रहे हैं? अब नहीं कर रहे। कितना दिन से नहीं कर रहे हैं? 5-6 साल से नहीं कर रहे हैं। अच्छा, 5-6 साल से नहीं कर रहे, चलिए अच्छी बात है। और कोई भी आदमी पैसा जमा नहीं कीजिए, लेकिन जब तक सरकार से नहीं मांगे।